राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हमारी ब्रज यात्रा आ चुकी है बरसाना गांव, और बरसाना गांव आपका फेमस है राधा रानी के लिए। वो यहाँ की महारानी थी। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उनका मंदिर है। और आज हमारे साथ हमारे जीतू भाई भी आ चुके हैं। काफ़ी क्राउड भी, आज शनिवार का दिन है तो काफ़ी क्राउड है आज यहाँ पर। आप देख सकते हैं साइड में बहुत सारी दुकानें भी हैं जहाँ से हम अपना श्री कृष्ण जी की पोशाक वगैरह भी ले सकते हैं, और जगह जगह भजन संगीत भी हो रहा है। यहाँ पे लगभग 300-400 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आपका मंदिर आता है, और काफ़ी क्राउड भी आप देख सकते हैं। इधर ही मंदिर का रास्ता है, और हमारे जीतू भाई और सचिन भाई भी आज हमारे साथ हैं। राधे राधे भाइयों। राधे राधे भाई। तो कैसा लगा आप भाई बरसाना आकर? भाई बिल्कुल मज़ेदार। अच्छा, और आज के दिन आकर और भी अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो आपके व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, डिटेल में मैं आपको बताऊँगा हमारी राधा रानी के मंदिर के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्राउड है आज यहाँ पर, और हमारा राधा रानी का जो धाम है कितना फेमस है। तो यहाँ से वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, अब इन सीढ़ियों से हम चलते हैं ऊपर। तो यहाँ से ऊपर के लिए रास्ता जाता है आपका, लगभग 400 से 500 सीढ़ियाँ हैं, तो क्राउड बहुत ज़्यादा है आज। बहुत दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं, लगभग पूरे भारत से। अभी हमें एक भाई मिले थे, तब तक हमने वीडियो शुरू नहीं की थी, वो थे छत्तीसगढ़ से। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। राधे राधे। राधे राधे भैया, कैसा लगा भैया बरसाने आकर? राधे राधे। सब राधे राधे है। राधे राधे जी। राधे राधे। बरसाना आकर कैसा लगा कुछ बताइए। बहुत बढ़िया दर्शन। कहाँ से आए भैया? हम दिल्ली से आए, चांदनी चौक से। अच्छा अच्छा भैया, बहुत बढ़िया दर्शन। जय हो। ठीक है भैया, राधे राधे। तो सुना आपने, कितना लोगों को आनंद आता है यहाँ पर आकर। राधे राधे अम्मा। तो चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर। जय श्री राधे। जय श्री राधे भैया। जय श्री राधे। जय श्री श्याम। राधे राधे भैया। कहाँ से आए भैया? ये कहाँ पड़ता है भैया? यूपी भरपावा। और ये आपका छोटा काना? ये छोटा काना हमारा। तो कैसा लगा आपके यहाँ? बहुत ही अच्छा। अक्सर हर बार आया करते हैं भैया दर्शन करने। अच्छा, और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आपका ये जो प्रोग्राम आएगा ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी पर आएगा, हम ब्रिज की पूरी यात्रा कराते हैं आपको, जितने भी छोटे उसे बड़े धाम है। इसी के साथ आपसे विदा लेकर बोलते हैं राधे राधे। तो भीड़ बहुत ज्यादा है, तो चलते हैं ऊपर। राधे राधे भैया। हमारे भैया बेचते हैं लस्सी, और भैया का कहना है कि जो उनकी लस्सी है वो वृंदावन मथुरा से भी ज्यादा फेमस है, उसका कारण बताएंगे हमारे भैया जी। भैया, यहाँ हमारी यहाँ प्योर दूध की गाय, वैसी दूध की गाय लस्सी मिलती है, क्योंकि यहाँ और पास सारे गांव है, गांव से दूध आता है, यहाँ प्योर शुद्ध दूध की लस्सी मिलती है हमारे यहाँ पर। तो यही खासियत है, और कस्टमर भी आ चुके हैं। राधे राधे जी। तो आप लोग कहाँ से आए हुए हो? राधे राधे। कहाँ से आए हुए आप लोग? सिंबल से। यूपी सिंबल से आए हैं। तो कैसा लगा आपको हमारे बरसाना गांव? आनंद आ गया। जहाँ राधा रानी की कृपा हो वहाँ पे हमेशा हर्षी हर्ष रहता है। बहुत अच्छी बात कही। इसी के साथ हम इनसे विदा लेते हैं और बोलते हैं राधे राधे। अब चलते हैं हम सीधे ऊपर। जीतू भाई कैसा लगा? भाई मजे आ गए। मैं तो लगभग 50 बार यहाँ आ चुका हूँ, मेरा फेवरेट धाम है ये। एक भैया 70 बार आ चुके हैं, मैं उनसे कहूंगा 100 कंप्लीट करें, अपना शतक लगाएं। राधे राधे। तो ब्रिज में जो आनंद आता है वो आपका कहीं नहीं आता, तो मैं आपसे कहूंगा ब्रिज धाम हमारे जरूर आए। राधे राधे अम्मा। ठीक हो अम्मा? अम्मा लगाती है हमारी मेहंदी। तो अम्मा कितने रुपए लेती हो एक हाथ के? तो अम्मा, मैं तो मेहंदी लगवाता नहीं, पर जो भी हमारी माता बहना है वो हमारी अम्मा जी से जरूर मेहंदी लगवाए। अम्मा जी राधे राधे। हमारी बहन जी से भी आप मेहंदी जरूर लगवाना, ये बिल्कुल आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। दान भी बांटते चलो। ये दान ही है। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो भैया का एक छोटा सा सेटअप मुझे बहुत प्यारा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे मोर जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी को अति प्रिय हैं। और एक चीज़ मैं और देख सकता हूँ, गौ माता। तो आज जो मैंने व्लॉग डाला है उसमें अश्वत्थामा जी वाला है, तो उसमें आप देख सकते हो अश्वत्थामा, उसमें बोला गया था कि नर नहीं, क्या वो कुंज मारा गया, तो कुंज था हमारा हाथी। उसी के साथ हमारे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। राधे राधे भैया। तो कैसा आनंद आया भैया ब्रिज में? कहाँ से आए हो भैया? हरियाणा। भैया भी हरियाणा से है हमारी तरह। भैया हरियाणा में कहाँ से हो? जींद से। भैया जींद से। राधे राधे। ठीक हो अम्मा जी? बहुत अच्छे। आनंद आया? बहुत आनंद।
तो आप लगा सकते हैं कि कितना आनंद आता है हमारे ब्रज धाम में। और हमारे पीछे काफी श्रद्धालु हैं, एक अम्मा जी यहाँ पर भी। अम्मा जी राधे राधे। अम्मा जी कैसा लगा? सांस फूल गई अम्मा जी आपकी? तो अम्मा जी धीरे धीरे चलें, पर आपकी सांस फूले या कुछ भी हो, आनंद बहुत ही आता है। लोग हार नहीं मानते, यही हमारे ब्रिज की महिमा है। एक भैया उधर से आए हमारे, राधे राधे भैया। कैसा लगा भैया? अच्छा, राधा रानी का। कहाँ से आए हो भैया? कामवन। कामवन कहाँ पड़ता है भैया? अच्छा, कामवन पुराना अपना को क्या कहते हैं, वृंदावन। तो इसी के साथ चलते हैं ऊपर। तो ऊपर जाने के बाद आपको काफ़ी आनंद आएगा जब मैं आपको मंदिर का पूरा टूर कराऊंगा, और यहाँ की जो भी विशेषता और जो भी यहाँ का पुराना इतिहास रहा है। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। राधे राधे बेटा। राधे राधे। कहाँ से आए हो बेटा? फरीदाबाद। तो हमारे बच्चे आए फरीदाबाद से। अम्मा जी राधे राधे। अम्मा जी राधे राधे। अम्मा जी आनंद आया? राधे राधे। अम्मा जी राधे राधे। कैसा आनंद आया अम्मा जी? अच्छा, राधे राधे भैया जी। भैया जी हमारे थक गए हैं क्या भैया? राधे राधे का नाम लें, दोबारा सांस शुरू करें। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। कहाँ से आए हो भैया जी? कहाँ से आए हो? संभावली से। कैसा आनंद आया बरसाने में आकर? तो ये कोई हमारा पेड़ प्रमोशन नहीं है, आप देख सकते हैं कितना आनंद आता है लोगों को राधा जी के चरणों में आकर। राधे राधे। चलते हैं मंदिर की तरफ, बने रहिए मेरे साथ। तो हमारी माता बहनें कुछ हमारे साथ हैं, भैया भी हमारे साथ हैं। राधे राधे भैया। तो भैया आप कहाँ से आए हुए हो? तो भैया कैसा आनंद आया आपको? बहुत आनंद आ रहा है। तो लगभग आप आते ही रहते होंगे क्योंकि फरीदाबाद हमारा नजदीकी पड़ता है। तीसरी बार है तो मैं कहूँगा आप आते रहें, बहुत ही आनंद भरी जगह है। और राधा रानी जी के चरणों में आकर जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। और हमारे छोटे कान्हा भी हमारे साथ। राधे राधे जी। राधे राधे। और कुछ भक्तजन इधर भी है। राधे राधे। राधे राधे। तो कैसा आनंद आ रहा है आपको यहाँ आकर? तो आप सुन सकते हैं चेहरे कैसे खिले हुए हैं, कितना आनंद आता है राधा रानी के चरणों में आकर। ये हमारे छोटे से कान्हा है जो कान्हा की ड्रेस में ही आए हैं। भगवान इनको लंबी उम्र और इनकी हर मनोकामना पूरी करे। इधर भी राधे राधे भैया। इधर भी हमारे कुछ श्रद्धालु है। राधे राधे भाइयों। कैसा आनंद आया बरसाने आकर? तो ऐसा ही आनंद लेते रहे आप राधा जी के चरणों में। अब चलते हैं मंदिर की तरफ, काफी विलम्ब हो चुका है। राधे राधे ताऊ जी। ताऊ जी हमारे सुन ही रहे हैं। ताऊ जी राधे राधे। ताऊ जी कहाँ से आए हो? अमरोहा। अमरोहा यूपी। यूपी। तो हमारे ताऊ जी यहाँ बिस्कुट वितरित कर रहे हैं, उनके साथ उनके छोटे बच्चे भी हैं जो आगे आ चुके हैं। भैया जी राधे राधे। राधे राधे। और मैं देख सकता हूँ हमारी बहन जी अपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ लाई हैं। तो कहाँ से आए हो आप लोग? अमरोहा। अच्छा, आप साथ में ही हो, फैमिली है। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर? पहली बार आए हैं आप? नहीं नहीं, काफी टाइम हो गया। अच्छा, तो ऐसे ही आते रहे आप। थैंक यू। ठीक है जी, राधे राधे। राधे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु, लाइन लगी हुई है आज, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। राधे राधे भैया। लाइव नहीं है, यूट्यूब वीडियो बन रही है आपकी। राधे राधे बच्चा। तो कहाँ से आए भैया आप? सागर एमपी। अच्छा एमपी। राधे राधे जी। कहाँ से आए हो आप लोग? कटनी। क्या भैया? मेरे चैनल का नाम है ब्रिज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी। हाँ, आप जरूर वीडियो देखें, ब्रिज की सारी वीडियो आती है, छोटे बड़े मंदिर। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। राधे राधे भैया जी। राधे राधे जी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यार मिलता है यहाँ पर। राधे राधे भैया जी। तो हमारी माता जी भी अपने लड्डू गोपाल जी को साथ लाई हैं, और बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी हैं ये। तो माता जी इनकी क्या सेवा करती हैं आप? जितना बन पड़ती है उतना करते हैं। बाकी लोगों को पता नहीं होता कैसे लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखा जाता है, कैसे उन्हें पोशाक पहनाई जाती है, खाना खिलाया जाता है, मतलब एक जीवित मनुष्य के रूप में उनकी पूरी सेवा की जाती है। और इस चीज़ का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। बहुत आनंद आया हमें अपनी माता जी से मिलकर। माता जी राधे राधे। बढ़ते हैं आगे की तरफ। राधे राधे। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर पानी का भी सेवा है। राधे राधे भैया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। पसीने पसीने हो चुकी है हालत, पर आनंद बहुत आ रहा है। अब चलते हैं ऊपर।
तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं भैया जी, राधे राधे। तो भैया जी भी हमारे भजन गा रहे हैं, भैया जी राधे राधे। कैसा आनंद आ रहा है? बढ़िया आनंद आ रहा है। राधे राधे। अब चलते हैं ऊपर और आपको दिखाता हूं मैं हमारा राधे रानी जी का मंदिर। तो सारी सीढ़ियां पार करते हुए अब आ चुके हैं ऊपर मंदिर पर और आप मेरे पीछे देख रहे हैं राधे राधे जी। चप्पल जूते यहीं उतार कर जाने हैं आप लोगों को, चप्पल जूते अंदर नहीं ले जाने। और यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है, धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, पर आनंद बहुत है। अब मैं आपको एक नज़ारा दिखाने वाला हूँ, देखें आप जो नज़ारा है। आपको लगभग मंसूरी नैनीताल जाना पड़ेगा इसके लिए और यहाँ मात्र आपको ब्रजभूमि में आना है, इस नज़ारे का फ्री ऑफ कॉस्ट दर्शन कर सकते हैं। तो हमारे भैया जी हमें अभी थोड़ी देर पहले मिले थे, भैया ने हमारी बहुत मदद की, बोला कि यहीं आप जूते वगैरह उतार दीजिए। और भाई जी का काम है हमारा फूल वगैरह और जो भी पूजा सामग्री है उसका, तो हमारे भाई जी से आप ज़रूर पूजा सामग्री लें। तो भाई जी दो शब्द बोलें आप रेट बाजे में। और हमारे साथ एक ताऊ जी और, ताऊ जी राधे राधे। राधे राधे। आप यहीं से हो? हाँ, यह नागा जी खत्म कंडी है, यहाँ से 6 किलोमीटर आगे। अच्छा अच्छा। उस स्थली से हैं जिसको निर्मित निकुंज की जगह बोला जाता है। अच्छा अच्छा। तो बोलिए क्या बोलना है आपको? बोलना कुछ नहीं है, बस लाइव रिकॉर्ड करना है सब कुछ, लोगों को दर्शन कराना है। ये राधा रानी जी, ये राधा रानी का जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्राचीन महल है यहाँ पर जी। इससे ऊपर राधा रानी का जो मंदिर प्रांगण है जी, यहाँ राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है जी। लेकिन ब्रज क्षेत्र में सारे जगह ही राधा कृष्ण भगवान का निवास है जी। लेकिन ये महल है निज महल, जो भी जीव यहाँ अपनी कामना लेकर के आता है जी, उसकी सर्व कामनाएं पूर्ण भी होती है। अर्थ धर्म काम भोग चतुर्विध पुरुषार्थ कल्याण करने वाला ये स्थल है जी। और जहाँ से हमारी जन्मभूमि है नागाजी महाराज की, उस क्षेत्र में नागाजी बाबा को संत शिरोमणि की उपाधि मिली हुई है। राधा कृष्ण भगवान ने ब्रजराज और अजर अमर उनको जैसे हनुमान जी को माता सीता ने वरदान दिया जी, जी ऐसे जी। नागाजी महाराज को वरदान दिया हुआ है जी। तो ये दोनों जगह एक ही मिली हुई है जी। तो यहाँ जो भी जीव कदमखंडी भी जरूर जाना चाहिए, पर कुछ लोगों को जिनको पता नहीं है वो नहीं जा पाते हैं। तो हम वही काम करते हैं, आपको पूरा ब्रज घुमाते हैं। हमारे जो कंसेप्ट ही है ब्रज भूमि दर्शन, ब्रज में जो भी छोटे बड़े मंदिर हैं हम वो सारे घुमाते हैं। हमारा ये नहीं होता कि हम फेमस जगह ही जाएं, जो भी छोटे से बड़ा राधा कृष्ण जी से जो भी चीज़ जुड़ी हुई है, चाहे वो एक पहाड़ है या एक कंकरी है। और राधा कृष्ण से जो कदमखंडी क्षेत्र के लिए मैं बोल रहा हूँ, उस धाम में नागाजी महाराज ने 200 वर्ष तपस्या की थी, पर पैदल चल के नहीं 84 कोस की परिक्रमा करते थे, एक दिन में परिपूर्ण करके आ जाए 84 कोस की पैदल। ये भी उनकी अलग ही दिव्य शक्ति थी जी। जी जी, दिव्य शक्ति थी। लास्ट टाइम में उनकी झाड़ी में जटा उलझ गई, तो वहाँ राधा कृष्ण गए तो राधा कृष्ण भगवान ने जटाओं को सुलझाया। राधा रानी ने अपने हाथ से भोजन कराया स्वयं, जबकि राधा रानी ने कृष्ण भगवान के लिए भी भोजन अपने हाथ से नहीं कराया, तो उनको ब्रजराज की उपाधि, संत शिरोमणि की उपाधि मिली है। तो मेरा सभी भक्तों से, सप्त भक्तवृंदों से यह निवेदन है कि जब भी जो बरसाना आए तो कदमखंडी जरूर जाएं, क्योंकि मैंने वो पहले भी बताया, जैसे माता सीता ने भगवान जी को अजर अमर का वरदान दिया है, ऐसी राधा कृष्ण भगवान ने उनको अजर अमर बना दिया है। यह है तो राधा कृष्ण की कृपा असीम प्राप्त होती है जो नागाजी महाराज के सानिध्य में जाता है। तो ठीक है, हम भैया जी से विदा लेते हैं, बोलते हैं राधे 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 राधे। भाइयों आप देख सकते हो हम मंदिर पर ऊपर पहुंच चुके हैं। एक रास्ता जो मार्केट के अंदर से बरसाने के गांव से होकर आता है वो रास्ता ये है, और जो दूसरा रास्ता है वो ये है। और हमारी दादी जी यहां पर पानी की थैलियां देख रही हैं, लोगों की प्यास बुझा रही हैं। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है यहाँ पर, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। राधे राधे भैया जी। तो भैया जी कहाँ से आए हुए हो? फरीदाबाद से जी। तो भैया भी फरीदाबाद से आए हुए, हमें एक फैमिली और मिली थी रास्ते में जो भी फरीदाबाद से आई हुई थी। तो भैया जी कैसा आनंद आ रहा है? बहुत। पहली बार आए हो? नहीं नहीं, कई बार आए हैं। कई बार आए हैं। और भैया जी के साथ उनका एक छोटा सा गाना भी है, राधे राधे बेटा। जय जय कर, जय जय श्री राधे, जय कर दे। अरे बच्चा है, थोड़ा शर्मा रहा है, कर दिया बच्चे ने जय जय राधे राधे। 27 साल के राधे राधे भैया जी, हमें एक चमत्कार मिल चुका है यहाँ पर, एक हमारे ताऊ जी है। ताऊ जी राधे राधे। राधे राधे। तो ताऊ जी आप 27 साल से बस लेके आ रहे हो यहाँ पर? 20 साल। तो ऐसी क्या दीवानगी है आपको? जो मांगो वो मिलता है इसके दरबार से। जो मांगो वो मिलता है, झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। कई बार लोगों को लगता है ऐसा कुछ नहीं है, मिलता है। तो आप 27 साल से आ रहे हो, कोई ना कोई जादू तो रहा होगा। मिलता है जो मांगते हैं,
जो सवारी बस में आती है उनको भी मिलता है। अच्छा अच्छा, नहीं हर महीने बस में कौन आ जाएगा। सही बात है भैया, तीन तो बस आती है। कहाँ से आते हो आप? तिलकुआ हापुड़ के पास। अच्छा, हापुड़ से आते हो जी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो आप ये सब चीज जी। तो देख सकते हो भैया जी को कितनी असीम कृपा है हमारे राधा रानी जी की। राधे राधे, राधे राधे। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। भैया वृंदावन से कुछ लेने वाले हैं। राधे राधे भैया, कहाँ से आए हो भैया? राधे राधे भैया, कहाँ से आए भैया? अच्छा अच्छा, तो यही ताऊजी अपनी मार्केटिंग कर रही है। वो बोल रही है 10 के 2 पाउच मिलते हैं, मैं देती हूँ 4, तो हमारे ताऊजी से पानी के पाउच जरूर लें। अच्छा, राधे राधे भैया जी। भैया जी बड़ी देर से देख रहे हैं। भैया जी कहाँ से आए हो? जिला गाजियाबाद। तो जिला गाजियाबाद एक मूवी भी है और हमारे भैया आए हैं भक्ति के लिए। तो भैया जी कैसा लगता है आपको? तो भैया कह रहे हैं जो है यूए के अलावा ना कच्छ भी। ठीक है, अब चलते हैं आगे, आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। बने रहिए मेरे साथ। हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, पसीने पसीने। भैया कारे कारे सांप दिखा रहे हैं। भैया कहाँ है कारे कारे सांप? ये तो बच्चे हैं। राधे राधे जी। भैया जी कहाँ से आए हुए आप? आगरा से। तो कैसा लगता है आपको हमारा बरसाना धाम? आते रहते हो आप? आते रहते, बहुत अच्छी बात है। राधे राधे जी। अब चलते हैं आगे। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत सारे श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लाते हैं, उसके पीछे भी कोई ना कोई मान्यता रही होगी। राधे राधे जी। तो आप आते रहते हो यहाँ पर? अच्छा, दूसरी बार आए हैं। लड्डू गोपाल जी को साथ लाते हमेशा? अच्छा, पहली बार ही लाए हैं। कैसा लगा आपको? अच्छा, तो राधे राधे जी। राधे राधे भैया जी। राधे राधे। तो भैया जी कैसा लगा आपको हमारा बरसाना धाम? बहुत अच्छा। तो कहाँ से आए हो भैया जी आप? राजस्थान कोटा, जो हमारा पढ़ाई का एक केंद्र है। बिल्कुल सही बोला मैंने। बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा। राधे रानी जी की कुछ कृपा हुई आप पर? कृपा बनी हुई है। पूरे सच्चे मन से आप जो भी मांगोगे वो आपको जरूर मिलेगा। हमारी राधा रानी जी आपको जरूर देंगी। तो हम भैया जी से विदा लेकर बोलते हैं राधे राधे। तो चलते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ से कुछ भैया जी हमारे लस्सी भी बेचते हैं यहाँ पर। ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी। राधे राधे जी। तो भैया जी कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया लगा। तो कहाँ से आए हो आप? अलीगढ़ से। फिर फैमिली आए हो आप? और हमारी कुछ माता बहनें भी यहाँ पर। राधे राधे जी। तो आपको कैसा लगा? अच्छे दर्शन हुए? इसके बाद आप कहाँ जाना चाहोगे? निधिवन। निधिवन पड़ता आपका वृंदावन के अंदर। अब लेते हैं हम अपनी माता बहनों से विदा, बोलते हैं राधे राधे। राधे राधे। तो ये हमारे छोटे भैया हैं, ये कह रहे हैं कि भैया हमारे मोरों की भी वीडियो बनाओ। क्यों नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। कितने का बेचते हो बेटा? 100 रुपए के 3। अगर आप मेरी वीडियो देखकर आओगे तो आपको मिलेंगे 100 रुपए के 4। ऐसे ही बेटा? तो भैया से जरूर सामान लेना। चलते हैं ऊपर। तो पीछे से काफी शोरगुल हो रहा है। अब चलते हैं मंदिर के ऊपर और यहाँ से नज़ारा बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा जब ऊपर आओगे आप। और अगर आप पूरे गांव का एक व्यू लेना चाहो तो आपको आना पड़ेगा थोड़ा साइड में। पैर जल रहे हैं। ये हमारा बरसाना गांव, हमारा राधे जी का गांव। तो भैया जी बरसाना से ही हो? क्या काम करते हो भैया यहाँ पर? फोटो का काम करते हो भैया। फोटो का, एक फोटो का कितना चार्ज लेते हो भैया? 20 रुपये में भैया फोटो बनाते हैं। आप जिंदगी की एक मेमोरी बना देते हैं 20 रुपये में। तो बरसाना गांव का क्या इतिहास है भैया? ये राधा रानी का मंदिर है बरसाना। ये राधा रानी का जन्म भूमि है जी। हाँ भैया, भैया बोलने तो अब भैया से पूछो, ये बताएगा। हाँ भाई लाला। ठीक है, हम चलते हैं आगे। और यहाँ पर बहुत सारी फैमिली भी आई हुई हैं। राधे राधे भैया जी। राधे राधे भैया जी। चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम है ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी। तो चलते हैं आगे। कुछ लोग कैमरे को देख के घबरा जाते हैं तो उनसे बोला नहीं जाता, इसके लिए आप ये ना सोचें कि लोग इग्नोर कर देते हैं। और यहाँ पर कुछ ये मंदिर जाने का ऊपर का रास्ता है और ऐसे कुछ भीड़ लगी हुई है। अभी थोड़ी देर में चलेंगे मंदिर के ऊपर। और यहाँ पर एक हॉल भी है जहाँ पर जो हमारे श्रद्धालु आते हैं वो थोड़ा अपना आराम वगैरह करते हैं। आप मेरे जो पीछे देख रहे हैं यही है वो हॉल। और चलते हैं एक बार अंदर।
और बहुत सारे हमारे श्रद्धालु यहाँ आराम कर रहे हैं। राधे राधे। अब आ चुके हैं मंदिर की सीढ़ियों पर। ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से हम राधा रानी जी के चरण छूते हैं और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं जो सीधे ऊपर मंदिर जाती हैं। अब चलते हैं मंदिर के ऊपर और आप देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं आज भी और ऊपर लिखा हुआ है श्री लाडली जी महाराज मंदिर का नाम है यहाँ के का। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है और उसके लिए मंदिर प्रशासन ने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है जाके पैर ना जलें। हाय गाइस, हाय। तो हमको हाय गाइस मिल चुके हैं। राधे राधे भैया जी। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से हो भैया जी? हिमाचल से जी। मैं पंजाब से। अच्छा पंजाब से हो भैया? तो क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया भैया। सिद्धू मूसेवाले का बहुत दुख है हमें। डायहर्ड फैन थे उसके हम। अच्छा कौन सा? अच्छा अच्छा समझ गया। अगे पिछे घूम दिया फेम अज कल लंडू लाउंदे मेरे ते भले मज कल फेर करके गाने तो साडे नहीं चलदे। इसी के साथ एक स्टेप हो उनका वो स्टेप हो जाए सिग्नेचर स्टेप टापी वाला एक ये। ठीक है भैया जी। राधे राधे। तो सुना भैया में कितना टैलेंट था। और चलते हैं मंदिर के अंदर, बहुत सारी भीड़ निकल के आ रही है। जीतू भाई का थोड़ा वेट करते हैं। राधे राधे भैया। ओ राधे राधे। राधे राधे अम्मा जी, राधे जी राधे। कैसा लगा अम्मा जी मंदिर आपको? बहुत सुंदर। कहाँ से आए अम्मा जी? हम रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी? अम्मा जी भी हरियाणा से, हम भी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे जी। तो ये हमारे छोटे भाई है, फोटोग्राफर हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई का नाम है विपिन। कितना रहते हैं फोटो का? 20 रुपये। 20 रुपये? मात्र 20 रुपये में आपकी ज़िंदगी की एक यादगार बना देते हैं, मात्र 20 रुपये में। उसके ऊपर भी लोग संकोच ना करें, भाई कितनी मेहनत करते हैं। ये आ गए हमारे बड़े भैया, ये सबसे पहले चढ़े थे। अच्छा भैया, इनकी भी बनाओ। मैं भी यार। भैया राधे राधे। भैया भैया धूप ताप में डोलते रहे भैया, तो लगभग हमारी एक जैसी जिंदगी है भैया। ऐसी मेहनत करें भैया, बहुत अच्छी बात है। मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं है। बोतल चढ़ जाए भैया, धूप ताप में ऐसी पड़े बोतल चढ़वानी पड़े, दो दो तीन तीन। दो दो तीन तीन? अच्छा जी। अरे यार बता, रुपया ना कमाएंगे तो बोतल चढ़ेंगी बता। और यहाँ पर एक छोटा सा आर्गुमेंट हो चुका है भैया, बिल्कुल जारी रखे। मैं कह रहा हूँ धूप में काम ना करेंगे तो बोतल। अरे सामने भैया, सामने डिग्री है डिग्री। ब्रजवासी ब्रजवासी भाई भाई, जानो नाम बड़ी बस्ती और राधे राधे बुलवावे जबरदस्ती। राधे राधे। राधे राधे भाई जी। राधे राधे। कहाँ से हो भैया जी? हम धामनोत से हैं। धामनोत से? इंदौर। इंदौर। तो कैसा लगा आपको हमारा बरसाना? लगा हमको बरसाना में हर महीने। तो ब्रज आपको खींचता है नहीं खींचता? हमें खींचता है ना ब्रज। अच्छा ब्रिज में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? वृंदावन। अच्छा अच्छा। रास्ता रास्ता भैया, रास्ता छोड़ते रहो, रास्ता छोड़ते रहो भैया जी, जरा जाओ आप। तो फोटो का बहुत ज्यादा ही प्रचलन है यहाँ पर और हमारे भाई जी से कोई फोटो ही नहीं खिंचवाता। हमारे भाई जी से आप फोटो जरूर खिंचवाएं, भाई जी शर्माते बहुत है हमारे। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर में काफी भीड़ है। राधे राधे भैया जी। राधे राधे भैया। शर्मा मध्य यार ब्रज में आके भी राधे राधे बोलो। राधे। तो कैसा लगा? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। कहाँ से आए हो? राजस्थान। दोसा। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया जी। भैया जी जरा जाओ, लाइट इधर सही आ रही है। तो कहाँ से आए हो भैया? राजस्थान से आए भैया। अच्छा ये देखो आपको मैं एक पिता पुत्र का प्रेम दिखाता हूँ। एक हमारे यहाँ कहावत है कि माँ तो बच्चे को अपने मतलब छाती तक रखती है और बाप का एक होता है कि वो उनको कंधों पर रख लेता है, क्योंकि उनका एक मानसिकता होती है कि मेरा बेटा मुझसे भी ऊपर देखे। तो यह उसी चीज का एक उदाहरण है। बिल्कुल भैया सही कहा। तो भैया कहाँ से आए हो? उड़ीसा। राउरकेला। उड़ीसा से आए हो भैया? इतनी दूर हमारा ब्रज भगवान है सब जगह। अच्छा कैसा लगा आपको यहाँ? एक भैया और भी है भैया। राधे राधे। भैया जी कैसा लगा इधर? आजी थोड़ा लाइट नहीं उधर। अच्छा लगा? ये आएगा आपका ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी पर। जरूर हमारी वीडियो देखें, क्योंकि हम ब्रज के जितने भी धाम हैं उनको कवर करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो।
इसी के साथ बोलते हैं राधे 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 भैया जी। राधे राधे राधे। तो कहाँ से आए हो भैया जी? पंजाब पटियाला से। अच्छा भैया भी पंजाब से आए हो? अभी एक भैया और मिले थे। अच्छा हाँ, मैंने उनको बोला था भाई हमें बड़ा दुख हुआ हमारे सिद्धू भाई चले गए क्योंकि हम उनके डाई हार्ड फैन थे। दुख तो आपको भी हुआ होगा, आप देख सकते हो भाई का आवाज भी नहीं निकल रही इस बात के बाद। अरे भाई जी राधे 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 राधे, आप पर पूरी कृपा बनाए रखें। राधे राधे। अच्छा हमारे छत्तीसगढ़ वाले भाई भी मिल चुके हैं हमें थोड़ा इधर लाइट की कम। राधे राधे बहन जी। राधे राधे श्याम जी मिला दे। तो हमारे भाई श्याम के बहुत बड़े दीवाने हैं। राधे राधे जी। राधे राधे। तो भैया जी इधर आ जाइए। हाँ आप बताइए आप हाँ क्या कहना चाहोगे? मैं अब छत्तीसगढ़ से धनतेरी जिले बखारा थाना के अंदर से आया हूँ। बिल्कुल घर से आया हूँ। कैसा लगा? ठीक लग रहा है। जो है हम तो यूपी एमपी बहुत घूमे हैं देखे हैं। तो आप यहाँ जो मांगोगे आपको वही मिलेगा। हाँ तो ठीक है भैया जी राधे राधे। हाँ श्याम जी मिला दे भैया। ठीक है श्री गोविंद अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय। ये भैया मेरे जैसा नहीं है मेरा ही छोटा भाई है जी। तो भाई जी कहाँ बिजी हो गए थे? भाई जी थोड़ी गर्मी है इस वजह से हवा खाने के लिए विश्राम गृह में चला गया था। तो जीतू भाई हवा ली जाती है ना कि खाई जाती है? भाई मैं तो खाता हूँ। और आप देख सकते हैं हमारे राधा रानी जी के कैसे जयकारे लग रहे हैं और श्रद्धालु लगभग आते ही जा रहे हैं कि भीड़ घटने का नाम ही नहीं ले रही है। आप लगा सकते हैं हमारे एक तो शनिवार का दिन ऊपर से हमारे राधा रानी जी का ये चाव, आप देखें कैसी भीड़ लगी हुई है। राधे राधे। तो आप श्रद्धालुओं में उत्साह देख सकते हो यहाँ आने के लिए, हर किसी का चेहरा खिला हुआ है। और थोड़ा इधर आ जाते हैं भैया जी। राधे राधे। राधे राधे। भैया जी फिर से मिल चुके हैं। भैया जी कैसे रहे दर्शन आपके? बहुत ही अच्छे रहे, बहुत ही। भीड़ तो नहीं अंदर? नहीं नहीं भीड़ नहीं, आनंद है आनंद। आनंद ही आनंद, ऐसे ही आनंद लेते रहे आप। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कैसा लगा आपको दर्शन करके? कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग रतलाम मध्य प्रदेश। अच्छा मध्य प्रदेश से आए हो, बहुत बहुत। अच्छा राजस्थान से। राधे राधे जी। राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए हो भैया? आंध्र प्रदेश। तो लगा सकते हो आपकी पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आ रहे हैं, बस एक फॉरेन कंट्री से लोगों की कमी रह गई है, वो भी टाइम टाइम पर आते रहते हैं। तो अभी हमें एक भाई मिल चुके हैं। भाई कहाँ से हो आप लोग? संगम विहार दिल्ली। अच्छा संगम विहार दिल्ली से आए हो। राधे राधे भाई। और हमारे छोटे भाई भी हैं। तो भाई जी कैसा लगा? बिल्कुल गोलू मोलू है हमारे भाई। क्या नाम है बाबू? अच्छा तनिष्क तनवर। तो कैसा लगा आपको बरसाना धाम? अच्छा। अच्छा लगा। और ये हमारे दूसरे भाई। तो भाई अब क्या पूछ रहे थे आप? भाई को मैंने देखा ब्लॉगिंग करते थे। अच्छा 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 अच्छा। राधे राधे जी। राधे राधे मेरे छोटे मित्र। अब कैसे बोलती बंद हो गई? नहीं नहीं तलक नहीं, पसीना आ रहे तो पसीने पसीने वो सारा धुल जाएगा, सारा धुल जाएगा, पसीने आते रहते हैं ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को फॉलो करो। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे छोटे भाई। क्या नाम है भाई आपका? आगे बढ़ाओ आगे। अच्छा हमारे भाई लगाते हैं राधे राधे का तिलक। आप जब भी यहाँ मंदिर पर आओ तो हमारे भाई जी से जरूर तिलक लगवाना। तो लड़ाई हो चुकी है हमारे छोटे भाइयों में। भाई लड़ो मत, ऐसे नहीं भाई को तो गाली नहीं देने का, क्योंकि फिर उसके बाद भी वीडियो देखेंगे और आपको घर से पकड़ कर ले जाएंगे। ठीक है भाई अब चलते हैं आगे। चलते हैं मंदिर के अंदर क्योंकि काफी टाइम हो चुका है लोगों से बात करते करते। अब चलेंगे मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर काफी भीड़ है।